जी हिंदुस्तान इस वक्त ग्राउंड पर उतरा हुआ है, जनता के बीच उतरकर चुनाव से जुड़ा हर एक क्लेवर, हर एक रंग, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारा एक खास शो बूथ रिपोर्टर यानी जनता के बीच तो जी हिंदुस्तान है ही, लेकिन जनता ही जब रिपोर्ट करेगी, जनता ही बताएगी कि क्या रिपोर्ट कार्ड रहा उनके विधायक का, क्या काम किया उनके विधायक ने और आने वाले वक्त में, क्योंकि बिल्कुल सर पर है चुनाव। क्या कुछ मुद्दे इस बार रहने वाले हैं, आइए मैं आपका तारुफ कराऊं। नमस्कार जनाब। नमस्कार। राम राम। राम राम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इसरार खान है जी। खान साहब, क्या कुछ माहौल है? ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैं आपके हाथों में दे रहा हूं, ठीक है? आप बताइएगा क्या रिपोर्ट है आपके पूरे इलाके की, क्या काम हुआ है, क्या काम नहीं हुआ है, उम्मीद क्या है, लीजिए जनाब जी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए 1947 ईस्वी से पहले भारत में राजा रानी के पेट से पैदा होता था, 1947 ईस्वी के बाद लोकतंत्र में राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होता, वोटों की पेटियों से पैदा होता है। आइए हम वोटों की पेटियों पर बात करते हैं। हमारे साथ कुछ जिम्मेदार साथी मौजूद है, भाई साहब नाम जानना चाहूंगा। सचिन गौतम। सचिन गौतम जी, क्या लग रहा है अब की बार? देखो वो तो सभी जनता के अकॉर्डिंग है, मैं तो आप भी तो जनता है ना जी। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो काम करेगा वही दिखेगा। नहीं, कौन काम करेगा अब की बार? अब की बार भाजपा सरकार। भाजपा सरकार जी। आपका नाम? डॉक्टर फुरकान मरी। क्या होगा भाई, दुनिया गमों के दौर से आगे गुजर गई, हम लोहा ढूंढते रह गए तलवारों के लिए। मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि आज हमारे जो दिगर मुल्क हैं वो बहुत तरक्की कर रहे हैं, सड़कों पे बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, सच्चाई और ईमानदारी की बात कर रहे हैं। मोदी जो बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, भाजपा में सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, समाज में प्यार और मोहब्बत की बात कर रहे हैं, और आज हमारे यहाँ जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बात जबकि सड़कों पे होनी चाहिए थी, बात विकास पे होनी चाहिए। सड़कें बननी है, मुद्दा हो रहा है जी। भैया क्या नाम आपका, क्या हाल है भाई? तू तो मुझे लगा किसान ही दिखे। भाई किसान है बिल्कुल, मुझे फड़ना करके, और नाम शुभम मलिक है। अच्छा शुभम मलिक, गठवाड़ा खाप से आते हो? हाँ गठवाड़ा खाप से है भाई। हाँ भाई क्या हाल है? बहुत बढ़िया। क्या चल रहा है भाई, क्या होगा भाई? गठबंधन आओगा, और गठबंधन ने सबसे पहले जयंत चौधरी है, उस तो ऊपर कोई नहीं, बताओ लाठी क्यों मारी पहले? तो लाठी क्यों मारी जी भैया? अरे तुम तो जी भाई, बताओ भाई क्या नाम है? गठबंधन आएगा जी। गठबंधन आएगा यहाँ? नहीं यहाँ मुझे फरनगर में सदर सीट पर कौन आएगा? वो आएगा कौन? भाजपा कैंडिडेट। अरे भाई एक तरफ गठबंधन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ भाजपा? नहीं वो तो आएगा ना। क्यों आएगा? समीकरण है बस, और क्या है? अच्छा अच्छा, क्या काम? भाजपा के शासन काल में 5 साल पूरे हो चुके हैं, क्या हुआ है, क्या कुछ विकास की बात हुई है? विकास की बात तो कर ली है ना, किसान की आय दुगनी होगी। और डीजल पेट्रोल के दाम भी आधे कर दिए, और सब्सिडी दे दी खाद भी। तो ये तो मजा आ गया किसानों के लिए, तो बड़ी बात होगी जी। बताओ 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 क्या? ऐसा है, मेरा नाम कमल मित्तल है, ये जिला जो है चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत साहब के नाम से जाना जाता है। और अब एक बार फिर किसान यूनियन का वर्चस्व पूरे देश में पूरी दुनिया में माना गया, तो अब मामला विकास का है, मामला गन्ने का है, मामला किसान का है। अब ऐसा नहीं है, लोग आपको बरगला लेंगे। और मुजफ्फरनगर सीट तो विशेष सीट है, क्योंकि इसी से तय होगा कि योगी मठ में जाएंगे या राजभवन में जाएंगे।